दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में महिलाओं से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र किया है। चाणक्य के अनुसार ऐसी महिलाएं पुरुषों को 2 मिनट में अपने वश में कर लेती हैं। तो आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की बातें हो सकती है कि सुनने में थोड़ी बुरी लगे, लेकिन समाज की सच्चाई के लिए होती है। चाणक्य नीति काफ़ी प्रचलित मानी जाती है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों के तरफ पुरुष जल्द आकर्षित हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों में अगर ये 3 गुण हैं तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुकाते हैं। तो चलिए हम उन 3 फैक्ट्स को जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में क्या कहा है, कौन सी वो 3 गुण हैं जिसके बारे में आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चाणक्य कहते हैं वो है हिम्मत वाली स्त्री। यानी कि देखने पर स्त्री भले ही कमज़ोर दिखे, लेकिन अगर वो हिम्मत वाली हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों से खुद को और अपने परिवार को बचा सकती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार को एक पिता की तरह संरक्षित करती है और ये गुण पुरुषों को भाता है। ये एक तरह का डिपेंडेंसी हो जाती है कि अगर पुरुष घर में ना भी हो तो भी स्त्री अपने घर को संभाल लेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए दूसरी बात करें कि स्त्री के अंदर में वो दूसरी गुण कौन सी है, तो वो है समझदारी। बुद्धिमानी एक बात है और समझदारी दूसरी बात। एक समझदार स्त्री कभी अपने साथी को मुश्किल में नहीं डालती और हमेशा मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ऐसी स्त्री को पुरुष पसंद करते हैं और जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हुए आखिरी और तीसरे फैक्ट की बात करें, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो फिर चाणक्य के अनुसार जो तीसरी गुण औरत में होना चाहिए वो है भावुकता। भावुक होना कमजोरी की निशानी माना जाता है और इसे स्त्री को कमजोर बताया जाता है, लेकिन एक भावुक स्त्री ही सही फैसले ले सकती है। ऐसा चाणक्य कहते हैं, ऐसी स्त्री स्वार्थी नहीं होती और पूरे परिवार के बारे में सोचती है, इसीलिए ऐसी स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी बनाने से पीछे नहीं हटते हैं।